mm <small> नमस्कार हायर सेकेंडरी बारहवीं कक्षा के हिंदी क्लास में सबका स्वागत पिछली कक्षा में हमने मातृभूमि कविता पर चर्चा की थी ठीक है ना मैं मानता हूँ कि आप सबने इस कविता का सारांश लेकर अपनी अध्यापिका को दिया है आज हम पहली इकाई का दूसरा पाठ शुरू करें पहली इकाई का दूसरा पाठ तैयार है ना ठीक है पहले ये वीडियो देखे ये वीडियो देखकर आपने क्या समझ लिया ये वीडियो देखकर आपने क्या समझ लिया हाँ बताओ ठीक है स्वतंत्रता संग्राम हम सब जानते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो है भारत किस से स्वतंत्रता मिली भारत को किस से स्वतंत्रता मिली, मिली? अंग्रेजों से हम सब जानते हैं ठीक है ना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली अंग्रेज क्यों भारत आए अंग्रेज क्यों भारत आए क्यों व्यापार व्यापार या वाणिज्य के लिए व्यापार या वाणिज्य के लिए ठीक है ना तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ जानते हैं ना अठारह सौ 1857 में अठारह सौ में मेरा अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था कौन बता सकता है हमने छोटी कक्षाओं में इतिहास में पढ़ा था याद है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत एक सेना विद्रोह के रूप में हुई ആർമി റബല്യൻ സൈനിക കലാപം കാലാന്തർ സ്വരൂപ ബദൽക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് സത്താക്ക एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया क्या कहा गया? प्रथम संग्राम। ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश सत्ता माने ब्रिटिश रूल ब्रिटिश भरणम जनव्यापी विद्रोह माने मास समझ लिया ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह के रूप में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई समझे प्रथम संग्राम कहां, कहां हो रहे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां, कहां हो रहे थे सोच लीजिए मीरठ बरेली झांसी दिल्ली आदि स्थानों में तो भारत के किन किन शासकों ने इस संग्राम में भाग लिया भारत के किन किन शासकों ने इस संग्राम में भाग लिया जानते हैं ना तो पेराज सिराजुद्दौला बेगम हसरत महल मंगल पांडे, रानी रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह सफर आदि शासकों ने भाग लिया इसमें बहादुर शाह सफर दिल्ली के अंतिम मुगल शासक थे मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ जिसने 17वीं शताब्दी के आखर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ एक बार फिर मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ जिसने शताब्दी के आखिर में और अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ बहादुर शाह सफर दिल्ली के अंतिम मुगल शासक थे दिल्ली के अंतिम मुगल शासक कौन थे सुर से बताओ बहादुर शाह सफर एक बार फिर बहादुर शाह सफर बहादुर शाह सफर का जन्म 1775 सो ईस्वी को दिल्ली में हुआ था वे अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे अठारह में बादशाह बनाए गए लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था बयासी बरस के बूठे बहादुर शाह सफर अगवाई में लड़ी गई ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया सत्र दिसंबर 1862 को रंगून के कैदखाने में ही उन्होंने अंदिम सांस ली एक बार फिर बहादुर शाह सफर का जन्म 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था वे अकबर शाह द्वितीय और लालबाई के दूसरे पुत्र थे अठारह में बादशाह बनाए गए लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था बयासी बरस के बूठे बहादुर सफर की अगुवाई में लड़ी गई ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया सत्र दिसंबर 1862 को रंगून के कैतखाने में ही उन्होंने अंतिम सांस ली ब्रिटिश सरकार ने पहली लड़ाई को परास्त करके बहादुर शाह सफर को मगर नामक ब्रिटिश युद्धबोध से रंगून भेज दिया परास्त करना माने परास्त करना टू डिफीट तोल पिक्युगा क्या है युद्ध माने वार्षिक युद्ध कपल युद्ध बोध माने वार्षिक युद्ध कपल इस समय बादशाह की बेटी कुलसुम जमानी बेगम कौन है उनकी बेटी कुलसुम जमानी बेगम दिल्ली में अंग्रेजों की कैद में थी कहा थी अंग्रेजों की कैद में थी बेटी का नाम क्या है बेटी का नाम क्या है कुलसुम जमानी बेगम कुलसुम जमानी बेगम सुर से बताओ कुलसुम जमानी बेगम कुलसुम जमानी बेगम कहाँ थी दिल्ली में कुलसुम जमानी बेगम कहाँ थी दिल्ली में किसकी कैद में थी कुलसुम जमानी बेगम किसकी कैद में थी अंग्रेजों की कैद में समझे अंग्रेजों की कैद में थी बेटी ने एक पत्र अपनी कैदी बाप को रेंगू भेजा था कहा भेजा था रेंगू भेजा था उसके जवाब में लिखा गया पत्र हमें पढ़ने के लिए है उसके जवाब में लिखा गया पत्र हमें पढ़ने के, के लिए है एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं जवाबी पत्र ठीक है ना जवाबी पत्र एक बार फिर सुनिए एक पत्र के जवाब के रूप में लिखे गए पत्र को जवाबी पत्र देखिए जवाबी पत्र कहते हैं बहादुर शाह सफर अपनी बेटी को जवाबी पत्र लिखवाते हैं इसलिए इस पाठ का नाम बेटी के नाम रखा समझे बच्चों पहले इस जवाबी पत्र का पहला अनुच्छेद अपरिचित शब्दों का प्रयोग है उसे अपने नोटबुक में लिखकर शब्दकोश की सहायता से या अध्यापिका की सहायता से अर्थ ढूंढना है सुनिए पाठ का नाम है बेटी के नाम देखिए बेटी के नाम प्यारी बिठिया। तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा खत क्या भेजा मेरी जान आंसूनामा था बेटे ने पटकर सुनाया एक दफा सुना जी न भरा फिर कहा बेटा फिर सुनाना फिर सुना वो भी रोया मेरी आंखें भी आंसू से भी गई कहा बाबा एक दफा फिर पठो क्या लिखवा वो बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ तीन दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया खत खत माने पत्र या चिट्ठी खत माने पत्र या चिट्ठी आंसू क्या है आंसू नामा आंसू माने दर्द भरी वाणी आंसू नामा माने दर्द भरी वाणी एक दफा एक दफा माने एक बार क्या है एक बार असर असर माने प्रभाव असर माने प्रभाव इंपैक्ट आखादम असर माने प्रभाव इंपैक्ट आखादम करार करार माने राहत करार माने राहत रिलीफ आश्वासम तो इस अनुच्छेद से मैं कुछ प्रश्न पूछ लू इस अनुच्छेद से मैं कुछ प्रश्न पूछ लू सुनिए पाठ का नाम क्या है पाठ का नाम क्या है सोर से बताओ पाठ का नाम क्या है बेटी के नाम ठीक है बेटी के नाम यह पत्र किसने लिखवाया यह पत्र किसने लिखवाया किसने लिखवाया बहादुर शाह सफर ने बहुत अच्छा बहादुर शाह ने तो सुनो पत्र के आरंभ में बादशाह ने अपनी बेटी को कैसे संबोधित किया पत्र के आरंभ में बादशाह ने अपनी बेटी को कैसे संबोधित किया कैसे संबोधित किया प्यारी बिठिया ठीक है प्यारी बिठिया बिठिया माने बिठिया माने बेटी बिठिया माने बेटी बादशाह अब कहा है बादशाह अब कहा है कहा है कैद में कहा कैद में है कहां कैद में है बादशाह कहा कैद में है रेंगूण में बादशाह रेंगू में कैद में है यह पत्र किसका है यह पत्र किसका है किसका है बादशाह का यह पत्र किसके नाम पर है किसके नाम पर है जानते हैं ना? बेटी के नाम पर यह पत्र बेटी के नाम पर है बेटी ने बादशाह को जो पत्र भेजा था वो पत्र कैसा था बेटी ने बादशाह को जो पत्र भेजा था वो पत्र कैसा था कैसा था? पत्र नामा था पत्र नामा था नामा माने दर्द भरी वाणी बेटी का पत्र बादशाह को किसने पटकर सुनाया किसने पटकर सुनाया बेटे ने पटकर सुनाया बहुत अच्छा बेटे ने पत्र पटकर सुनाया बेटी का पत्र पटकर बाप और बेटे की हालत कैसी थी बेटी का पत्र पटकर बाप और बेटे की हालत कैसी थी हालत हालत माने हाल कंडीशन अवस्था हालत माने हाल अवस्था रोए क्या है दोनों बहुत रोए मेरा अगला प्रश्न है क्या तीन बार खत सुनने के बाद भी उसके दिल को करार या आश्वास मिला तीन बार खत सुनने के बाद भी उसके दिल को करा या आश्वास मिला नहीं वे बहुत दुखी थे वे बहुत दुखी थे एक बार फिर देखिए। पाठ का नाम क्या है? से बताओ शोर से बेटी के नाम एक बार फिर बेटी के नाम प्यारी बिठिया तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा खत क्या भेजा मेरी जान आंसूनामा था बेटे ने पटकर सुनाया एक दफा सुना जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुनाना फिर सुना वो भी रोया मेरी आँखें भी आंसू से भी गई कहा बाबा एक दफा फिर पढ़ो, क्या लिखवाओ बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ तीन दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया तो बच्चों सुनिए दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सफर रेंगून के जेल में अंग्रेजों की कैद में थे उनकी बेटी कुलसुम जमानी बेगम ने अपने पिता को एक पत्र भेजा था कैद में बैठकर बादशाह अपनी बेटी के पत्र का जवाब लिखवाते हैं इस जवाबी पत्र में उन्होंने यह सूचना भी दी कि बेटी का पत्र पढ़कर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई दिल्ली ले अवसानते മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തി രംഗൂണിലെ തടവറയിൽ പാർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ കുൽസു ജമാനി ബീഗം ദില്ലിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തടവറയിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് മകൾ അച്ഛന് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി അതിന് മറുപടിയായി ചക്രവർത്തി മകൾക്ക് മറുപടി കത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചു ഈ മറുപടി മറുപടിക്കത്തിൽ തന്റെ അയച്ച കത്ത് വളരെ വേദനാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അനുച്ഛേ അനുച്ഛേക്കാഹേ അനുച്ഛേ പാരഗ്രാഫ് അനുച്ഛേദിത് अपनी बेटी का खत एक आंसू नामा था कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसू नामा था क्यों आंसू नामा आंसू नामा माने दर्द भरी वाणी बेटी के आंसू नामा ने बादशाह के मन को विचलित कर दिया वे उस दिन की डायरी में इसका जिक्र करते हैं और डायरी तैयार करें सहायक संगीत परिवार वालों की सोच दिल्ली वासियों के प्रति आकुलता खत पटने पर उत्पन्न दर्द सहायक संगीत देख पार फिर परिवार वालों की सोच दिल्ली वालों के प्रति आकुलता खत पटने पर उत्पन्न दर्द इसका उत्तर लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज देना है ठीक है इसका उत्तर लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज देना है आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है धन्यवाद